हाँ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और अब हम देखते हैं, इधर उधर प्रेस व्रेस तो होया है और अब चाय वाय पीते हैं। ये दुकानों पर आ गए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगी है भाई। ये भाई थे मेरे साथ रात में सोने के लिए, तो दोनों साथ में सो गए और अब देखो स्टेशन से बाहर आ गए हैं और इधर पीते हैं चाय भाई, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। वैसे तो उपवास है तो चाय वाई पी के और फिर उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि आज वेनेसडे है और वेनेसडे का मेरा उपवास रहता है। तो ठीक है गाइस, भरतपुर में दूसरा दिन और एग्ज़ाम है सुबह 10 बजे से, और सेंटर की दूरी चेक कर लेते हैं पहले तो कितनी दूर पर है। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं हम होम स्क्रीन पर और ये फ़ोन स्क्रीन आ गई है और अब इसमें हम सर्च करेंगे सेंट्रल लोकेशन जहाँ पर एग्ज़ाम लगेगा। ये आ गए मैप के अंदर और इसमें सर्च करते हैं, ये वाली मेरी स्कूल है संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पहले से ही सर्चिंग है, इसको कर देते हैं टैप और ये देखो ये रहा, और इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कितनी दूरी पर है। ये यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है और अगर ऑटो से जाएंगे, कार से या ऑटो से, तो मैं ऑटो से जाने वाला हूँ। ये 5.2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से मेरी लोकेशन बता रहे हैं जहाँ से 15 मिनट के अंदर हम लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। ये देखो गाइस ये डायरेक्शन स्टार्ट हो गई। सेंट कृपाल सीनियर सेक स्कूल मे बी क्लोज्ड बाय द टाइम यू अराइव, यहाँ से हेड ईस्ट ऑन स्टेशन रोड टुवर्ड्स एरिया स्टेशन रोड पहुँच जाएंगे, करीबन 15 मिनट इसमें लगेगी। तो ठीक है गाइस, जब तक थोड़ा यहाँ टहल पहल कर लेते हैं और फिर उसके बाद में चलेंगे गाइस। ये देखो ये लोकेशन है यहाँ और इसके बाद में हम जाते हैं संत कृपाल सिंह स्कूल। ये देखो संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर मेरा सेंटर है। तो गाइस थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद में करीबन 6:30 बजे समथिंग यहाँ से निकलूँगा। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। हाँ तो दोस्तों यहाँ की फेमस चाय है कुल्लड़ चाय, ये देखो आ गई कुल्लड़ चाय। ये देखो दोस्त कुल्लड़ चाय, लेते हैं इसका स्वाद, भरतपुर की चाय। आप भी अगर भरतपुर आए हैं तो चाय जरूर पिए भाई साहब, मजा है भाई कुल्लड़ चाय में, मिट्टी का स्वाद है भाई। बैठे ठीक है भाई, चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखो दोस्तों भरतपुर जंक्शन, अभी करीबन 6 बज गए हैं, 6:05, स्टूडेंट स्टूडेंट हो रहे हैं चारों तरफ, सभी जगह बैठे हैं स्टूडेंट भाई। और हम आए इधर थोड़ा घूम लेते हैं और फिर घूमने के बाद फिर चलेंगे गाइस एग्ज़ाम सेंटर पर। हाँ तो दोस्तों हम बैठे हैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर इधर रेलिंग के पास में, और देखो धूप निकल गई है हल्की हल्की और करीबन 6:30 बज चुके हैं। तो अब देखते हैं ऑटो ऑटो और 6:30-7 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। ये देखो भाई जॉगिंग कर रहा है, ये देखो हल्की धूप है जो चेहरे पे गिर रही है, और फिर थोड़ी देर में हम जाएंगे भाई एग्ज़ाम देने भरतपुर रेलवे स्टेशन। और ये पीछे है पार्किंग स्टैंड जहाँ पर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है। हाँ तो दोस्तों अब चलने की बारी है सेंटर पर, करीबन 7 बज गए हैं, 6:43 हो रहे हैं और यहाँ से बहुत भीड़ है, टाइम पर ही पहुँच जाएंगे सेंटर तो सही रहेगा। और यहाँ से ऑटो लगते हैं तो कोई ऑटो करके और पूछते हैं ऑटो वाले से। तो दोस्तों ऑटो मिल गया है और थोड़ी देर में ऑटो से सफ़र करेंगे, लगभग 50 रुपये लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने के 5 किलोमीटर के। तो गाइस करते हैं शुरू सफ़र, ऑटो मिल गया है, बैठ जाते हैं ऑटो के अंदर।
थोड़ी देर में अभी स्टार्ट होगा ऑटो, तब तक कोई और सवारी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी तो इनको लेके जाएंगे। ऑटो ही ऑटो रखे हैं भाई चारों तरफ। ये देखो भाई, ये वो नज़ारा जहाँ पे सुबह हमने चाय पी थी, और अब यहाँ से सेंटर तक का सफ़र शुरू करेंगे। लास्ट स्टेज पे पहुँच गए हैं और थोड़ी दूर पर यहाँ से स्कूल है जिसमें जाएंगे। अभी अभी उतरे हैं ऑटो से, चलते हैं। थोड़ी दूर बता रहे हैं यहाँ से कितनी दूर है। ये देखो गाइस, संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंटर पहुँच चुके हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद अभी तो कम ही बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ी स्कूल है भाई। बच्चे आए हुए हैं तो थोड़ी देर वेट करते हैं एंट्री होने तक, और जब तक बैठते हैं इधर। तो एक पेपर तो ख़त्म हो गया है, फर्स्ट पेपर जो हिंदी का लगता है, और अब सेकंड पेपर लगना बाकी है जो करीबन 3 से 5 वो पेपर लगेगा, 3 बजे से 5 बजे तक। तो गाइस थोड़ा और वेट करते हैं, जब तक इधर उधर घूम लेते हैं। पानी की बोतल साथ में है, और वैसे उपवास है तो कुछ खाने पीने तो जाना नहीं है। वैसे बनाना ले लिए मैंने, तो बनाना खा लूँगा थोड़े से, थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। और फिर 3 बजे एंट्री वापस होएगी, वापस जाके और एग्ज़ाम देना है। तो ठीक है गाइस, जब तक इधर उधर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। देखो जगह देख के फिर वहीं बैठ जाएंगे, और थोड़ी देर रिलैक्स करके, और सेकंड पेपर में कुछ आएगा जो पढ़ लेंगे, और फिर देते हैं एग्जाम। ठीक है गाइज, मिलते हैं बाद में। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे बैठे हैं हम सड़क के किनारे ही, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। 3 बजे से पेपर स्टार्ट होगा सेकेंड वाला, तो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और भरतपुर में हैं अभी, तो भरतपुर के ज़िले की जो नींव है सूरजमल जाट ने रखी थी, राजा सूरजमल जाट, बहुत ही फेमस है यहाँ के। और यहाँ की जो फेमस जगह है उनमें से एक है भरतपुर का किला, जो जिसे लोहागढ़ का किला भी कहते हैं। और यहाँ का फेवरेट जो अभ्यारण्य है करना पक्षी अभ्यारण्य है, वो भी भरतपुर में ही है। बहुत ही बढ़िया फेमस जगह है यहाँ पर टाइम के अभाव की वजह से हम जा नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से हमारे सेंटर से, इसलिए थोड़ी देर यहीं हम रिलैक्स करेंगे। अगर टाइम होता तो हम वहाँ पे जाके आपको बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वेट करते हैं 3 बजने का, और फिर एग्ज़ाम देने चलेंगे। फर्स्ट पेपर तो बहुत बढ़िया हो गया, हिंदी का पेपर था, अब जनरल साइंस और जीके वगैरह का पेपर है जो 3 बजे से स्टार्ट होगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में। हाँ तो दोस्तों, आराम आराम कर लिए, और अब करीबन 2:30 बजने वाले हैं, 2 बज चुके हैं, और 2 बजे से ऊपर हो गया है, 2:10-5। तो गाइस 3 बजे से एंट्री है, तो करीबन 3 बजे मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ही हमको एंट्री करनी है, तो 1 घंटा पहले ही वहाँ पे एंट्री होना शुरू हो जाती है। तो चलते हैं गाइस, बहुत आराम कर लिए, और अब एग्ज़ाम देते हैं 3 से 5 का। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पेपर आएगा और अच्छे से सॉल्व करके आएँगे। तो चलते हैं गाइस, ठीक है, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। एंट्री शुरू होने वाली है, तो बैग एक वापस जमा करा देते हैं, और फिर एग्ज़ाम देते हैं गाइस। बच्चे आ चुके हैं सारे वापस सेंटर पर, देखो बहुत भीड़ है, थोड़ी देर में एंट्री हो जाएगी। ठीक है गाइस, बैग जमा करा देता हूँ पहले तो, और बैग जमा करा के फिर मिलते हैं बाद में। एंट्री होएगी, फिर एग्ज़ाम देंगे अच्छे से, उसके बाद फिर बाहर आएँगे तो बताएँगे आपको हाल चाल। ठीक है गाइस, चले। हाँ तो दोस्तों, एग्ज़ाम हो चुकी है अच्छे से, और पेपर थोड़ा ठप आया था लेकिन ठीक ठाक गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और अब यहाँ से चलते हैं वापस। रात की जो ट्रेन है उससे टेम्पो में बहुत भीड़ है, चारों तरफ बच्चे बच्चे लड़के क्या करें भाई, फोटो तो सब खुला फुल जा रहा है। कॉल कर करो।
सालम जी लेट हो गए थोड़ा सा, आगे मेन रोड पे मिलेंगे ऑटो। ठीक है गाइस, अब यहाँ से ऑटो देखते हैं और फिर चलते हैं स्टेशन तक, फिर वहाँ से ट्रेन में सफ़र करेंगे। आंधी चल रही है, धुआं उठ रहा है, मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, आसमान साफ है, एकदम क्लियर। पेपर की चर्चा करते हुए स्टूडेंट्स, वापस भरतपुर जंक्शन। ये देखो गाइस, पहुंच चुके हैं वापस भरतपुर जंक्शन और अब यहाँ से ट्रेन में बैठ के फिर जाएंगे जयपुर। बाहर बहुत भीड़ है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं जयपुर, अभी अभी उतरे हैं स्टेशन पर, अब यहाँ से बाहर निकल के और ऑटो करेंगे फिर घर के लिए चलेंगे। अभी करीबन 10 बज गए हैं तो फिर उपवास हो रहे हैं, तो घर जाके उपवास खोलेंगे। भीड़ भाड़ बहुत थी ट्रेन में, आपने भी देखा होगा, बहुत परेशान हुए पर जैसे तैसे पहुँच गए घर पर। अभी पहुँचे नहीं, मतलब रास्ते में पहुँच गए, जगतपुरा स्टैंड, जगतपुरा स्टेशन पर उतर गए हैं और अब यहाँ से मेन हाईवे पर जाके और वहाँ से ऑटो करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे गाइस। देखो जगतपुरा स्टेशन, तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए हैं। घर पे आके बहुत बढ़िया सुकून मिल रहा है और आते ही बैग को मैंने इधर फेंक दिया और ये वाणी देखो, आते मुझे पानी की बोतल दे दी है, पानी पी लेते हैं और ये वाणी बहुत खुश नजर आ रही है। ठीक है, फटाफट से नहा लेता हूँ पहले तो, क्योंकि बहुत ख़राब लग रहा है बिना नहाए। ठीक है गाइस, हाँ तो दोस्तों नहा धो के एकदम चकाचक हो गए और भूख लग रही है बहुत तेज़ की, तो फटाफट से पानी पी लिए बेटा और खाना खा लेते गाइस। ये देखो फटाफट से सर्व कर रहे हैं, हमारी मैडम भी भूखी है भाई मेरे साथ साथ। अच्छा आपने खा लिया खाना? ठीक है गाइस, ये देखो दाल और बाटी बनाए आज, क्योंकि हर जब भी पास्ट रहता है हमारा हर बुधवार को, तो हमारे दाल और बाटी बनती है, फेवरेट है। ये देखो दाल बाटी, खाना खाने के बाद पानी भी पी लो। ठीक है रख दो बेटा साइड पर, पी लो गाइस। हां पी लो, ये देखो चिल्ली आपकी बोतल लो, अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।